स्वागत है बच्चों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव टीपी मेमोरियल विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से। आज हम अभ्यास 2.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, भाग दीजिए। पहला सवाल है, 5/16 भाग का निशान 7/8 है। जब भिन्नों का भाग हो तो हम पहले भिन्न को लिख लेते हैं, 5/16 को हम लिख लेंगे और भाग को हटाकर गुणा का निशान लगाएंगे। जब हम गुणा का निशान लगाते हैं तो आगे वाली जो भिन्न है वो उल्टा हो जाता है, हर को अंश में लिख देते हैं, अंश को हर में लिख देते हैं, तो यहाँ पर 8/7 हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर किसी भी संख्या से अगर अंश और हर कट रहा है तो काट कर उसको छोटा रूप में लिख लेंगे, 8 * 1 = 8, 8 × 2 = 16। अब नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो अंश और अंश का गुणा हर हर का गुणा करेंगे, 5 * 1 = 5 और 2 * 7 = 14। इसी तरीके से सेकंड है, 8/15 भाग का निशान 6/7 है, तो 8/15 भाग के स्थान पर हम गुणा का निशान लगाएंगे, 7 को ऊपर लिखेंगे अंश में और 6 को हर में लिखेंगे। अब काट देंगे, अगर कट रहा काटेंगे, यहाँ 8 और 6 कट रहा है, 2 * 4 = 8, 2 * 3 = 6। अब नहीं कटेगा, अंश अंश का गुणा, 4 * 7 = 28 और 15 * 3 = 45, 28/45। तीसरा है, 2/5 भाग का निशान 7/8 है, तो 2/5 भाग के स्थान पर गुणा का निशान लगाएंगे और जब गुणा का निशान लगाएंगे तो आगे वाला भिन्न इसका उल्टा हो जाता है, हर हर को अंश में लिख देंगे, अंश को हर में 8/7 हो जाएगा। अब ये अंश और हर नहीं कटेगा तो अंश अंश का गुणा, 2 में 8 का गुणा करेंगे 16 और 5 * 7 = 35। इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 के सभी सवालों को हल करेंगे और जो होमवर्क दिया गया है गृह कार्य उसको भी हम कॉपी पर हल करेंगे।